हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लार्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोढ़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 12.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 9 इंच है। 5 इंच पे हमने मोढ़े का निशान लाकर काटा है। ऊपर से हम 2.25 इंच गले के लिए लेंगे और गले की डीपनेस यहाँ पर हम 9 इंच रखेंगे, तो 9 इंच पर निशान लगा लेते हैं। यहाँ से देखिए बॉक्स बना लेंगे और इस तरह से देखिए गले का शेप देंगे, इसे हम काट लेंगे। यहाँ से देखिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाया है और अब हम देखिए इसे काट लेंगे। पहले इसे काटेंगे, फिर इस पैटर्न को काट लेंगे और ये देखिए हमारा कट कर तैयार हो गया है। अब हम अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। पहले हमने नीचे वाले पीस की कटिंग कर ली है, फिर हम ऊपर वाले पीस की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर और ये हमने कागज ले लिया है डबल फोल्ड कर, और ये जो हमने 1.5 इंच पर पट्टी काटा है उसे हम कागज पर काट लेंगे। ये देखिए हमने कागज पर काट ली पा लिया है और इसे काट लिए हैं। यहाँ पर देखिए पहले ब्लाउज के कपड़े को फैला लेंगे और उसके बाद हम अस्तर के कपड़े को फैलाएंगे। हर जगह पिन अटैच करेंगे और अब हम सिलाई लगाएंगे गले की। ये देखिए हम इस तरह से गले की सिलाई लगा लेंगे, हल्का हल्का कट मार लेंगे और अब हम इसे पलट लेंगे। अच्छी तरह से पलटने के बाद हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यहाँ पर देखिए हमने अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लिया है। अब हम देखिए ऊपर के पैटर्न को तैयार करेंगे। इसे भी हम अस्तर के कपड़े को पहले ब्लाउज के कपड़े के ऊपर रख लेंगे और आगे से सिलाई लगा लेंगे गले की साइड से, और फिर हम इसे पलट लेंगे और फिर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे पैटर्न को भी तैयार कर लेंगे। ये दूसरे साइड के भी पैटर्न हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने एक पट्टी लिया है, करीब 2 इंच की है, और इसे हमने डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लिया है। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है, इसे पलट लेंगे। तो देखिए हमने पलट लिया है और इसे देखिए हम अपने ये जो कागज़ का पैटर्न काटे हैं उस पैटर्न के बराबर से हम सभी पीस को काट लेंगे। सभी को टुकड़े टुकड़े में हमने काट लिया है और इसे दोनों साइड 20 सेंटर में दोनों साइड से मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसे देखिए अपने ब्लाउज कागज के ऊपर ये जो पैटर्न हमने कागज का काटा है उसके ऊपर अटैच कर लेंगे। नीचे साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है और यहाँ पर देखिए हमने एक पट्टी लिया है, इसे डबल फोल्ड कर लिए हैं और इसे देखिए ऊपर साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। इसे मोड़ते हुए पाइपिंग बना लेंगे। इस तरह से देखिए मोड़ते हुए पाइपिंग बना लेंगे। इसके बाद हम ऊपर से गले पर एक लेस भी लगा लेंगे। तो देखिए हमने लेस लगा लिया है और इसे हम अपने ब्लाउज के ऊपर अच्छी तरह से पहले फिट कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाकर हम इसे पक्का कर लेते हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। यहाँ से पीछे से कागज़ को निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने कागज़ को निकाल लिया है और यहाँ पर देखिए हम उसके ऊपर भी लेस लगा लेंगे। ये देखिए हमने लेस लगा लिया है। इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी लेस लगा लेंगे। तो देखिए हमने लगा लिया है और यहाँ पर देखिए अपने पैटर्न को अटैच करेंगे। तो देखिए हमने अटैच कर लिया है।
यहाँ पर नीचे का प्लेट बना लेंगे। इस तरह से देखिए हम नीचे का प्लेट बना लिए हैं। और यहाँ पर देखिए हम कुछ चौकोर कपड़ा ले लेंगे, इसे मोड़ते हुए त्रिभुज बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम इसे अटैच करते जाएंगे। तो देखिए हम सभी पीस को इस तरह से अटैच कर लेंगे पूरे गले के ऊपर, और ऊपर से एक लैस लगा लेंगे। तो देखिए हमने लैस लगा लिया है। यहाँ पर हमने एक 2 इंच का पट्टी लिया है और इसे नीचे साइड रखते हुए सिलाई लगा लिए हैं। फिर इसे हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा ब्लाउज डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पसंद आया